दोस्तों कल से है एग्जाम शुरू आपका, और जो है जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या चीजें लेके जानी चाहिए से लेके आपको 100% पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि अब तक जो है 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी है। एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, आपका मोटिवेशनल वीडियो था जो आप मैंने यूज किया था चक दे इंडिया का एक डायलॉग, और कुछ यूट्यूब के महान भाव लोगों ने डाली है बिना मतलब की। तो भाई बेसिक सी बात यह है कि चैनल कभी भी बंद हो सकता है। कंटेंट मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो जो है दूसरे चैनल का लिंक मेरा जो है नीचे दिया है। अगर कभी भी हेल्प करी है और चाहते हो कि हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें, बिल्कुल चलता रहे, ये जो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक नेटवर्क जो क्रिएट किया है, चलता रहे, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जो है जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। 3-4 मैंने पोएट्री की वीडियो डाली है, मन कहे तो सुन लेना जो है। उसके बाद आप लोगों को अब उसके बाद बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और इसका बेसिक मतलब ये है अगर नहीं भी बंद होता है तो जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके उसी दिन आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिससे शायद आपकी सोच बिल्कुल बदल जाए। बहुत ही अनोखी वीडियो है, तो उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर जो है ये बंद होता है तो मैं वहां पे वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो अब जो है मैं सबसे पहली चीज आपको बताता हूँ भाई, एग्जाम में आप किस चीज से लिखते हो, वो है पेन। अब दिक्कत की बात ये आती है, आप डेली रूटीन में कोई और पेन यूज कर रहे होते हो बट एग्जाम के समय कोई और पेन ले लेते हो। अब जो है ये आ जाती है दिक्कत का कारण, क्योंकि भाई स्पीड नहीं आ रही होती है, क्योंकि एग्जाम को 100% कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होती है स्पीड। तो जो है पेन वो लेके जाना जो आप जो है रूटीन में यूज कर रहे हो। अगर आपने नया खरीदा है तो आज का दिन है, उसको यूज करना शुरू करो। दूसरी चीज जो आप बहुत मिस्टेक करते हो भाई, जो है मैंने कई जगह अटेम्प्ट दिए हैं, कई जगह पेपर दिए हैं, वो ये है कि भाई पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कहीं कहीं जगह प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो है पानी नहीं मिल रहा होता है, गर्मी का समय बहुत ज्यादा है। अपने साथ पानी की बॉटल लेके जाना, और उस पानी की बॉटल में एक मैं आपको बहुत ही अच्छा सुझाव देने वाला हूँ कि भाई थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के लेके जाना, क्योंकि गर्मी बहुत है और आपको दिमाग पे रिलैक्स मिलेगा इस चीज से। तीसरी चीज ये कि भाई जो है आप जो कीवर्ड अंडरलाइन करोगे वो रफ हैंड से मत करना। रफ हैंड से करने पे प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है कि आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो तो जो है नीट एंड क्लीन पेपर नहीं दिखता है। तो अंडरलाइन जो है आप करना अपना स्केल से। तीसरी चीज मैं आपको जो है पहले तीसरी चौथी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अकाउंट का एग्जाम है तो जो है भाई बॉक्सेस बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। चौथी चीज ये कि भाई आप पेपर में लिखना मत कुछ भी, क्योंकि जो है ICI मना करता है। अगर आप पेपर में कुछ भी अंडरलाइन वगैरह करते हो तो ICI उसका विरोध करता है, तो ऐसी चीजें मत करना। ICI ने एक नया प्रोविजन डाला हुआ है कि जो है आंसर कॉपी में नहीं, लेफ्ट मार्जिन जो है आपका कॉपी का उसमें लिख के आओगे, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। थोड़ा सा नया चेंज है, ICI ने आप लोगों के लिए ही चेंज लेके आया है, तो उस चीज को जरूर ध्यान देना जो गाइडलाइन है ICI की, ठीक है। और कल का पेपर आप देने जा रहे हो तो जो है मैंने अब तक जो जो वीडियो अकाउंट के लिए डाली हुई है वो मैं आपको जल्दी जल्दी ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले मैंने डाली थी गेस्ट पेपर, फिर मैंने डाली मंत्र को 60+, फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, तो वो लगाना मत भूलना। 3-4 चीजें बताई कि मैंने ये अपलोड की हुई है, वो ऐसे मैंने ग्रुप 1 के लिए हर सब्जेक्ट के लिए की हुई है, अभी ग्रुप 2 के लिए इससे भी ज्यादा चीजें हैं, और जो है वो आपको मैं समय समय पर बताते रहूंगा। अब जो है बात करते हैं कि जो है मूव करते हैं हमारी वीडियो को कि जो है कैसे 100% अटेम्प्ट करें पेपर को। उससे सबसे पहले वो 15 क्रूशियल मिनट ऐसे हैं कि यही आप डिसाइड करेंगे कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है या नहीं। वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि भाई आता है हमारे पास 7 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है कंपल्सरी और बचे 6 क्वेश्चन में से आपको करने होते हैं 5। अब उसमें से सबसे पहले इस 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। दूसरी चीज ये, अगर इतना डिसाइड करने के बाद समय बच जाता है, डिसाइड करने के बाद समय बच जाता है तो जो सबसे पहले क्वेश्चन करना है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो करना जिसके हर एक पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से आता हो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये मत करना, इनके बीच के बाकी क्वेश्चन जो भी आते हैं वो करना, क्योंकि जो है भाई बहुत सारे लोग सबसे पहला क्वेश्चन करके आ रहे होते हैं और जो है 7वें नंबर का क्वेश्चन करके आ रहे होते हैं, तो एग्जामिनर का थोड़ा सा परसेप्शन उस तरह से बन जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ये मत करके आना, ठीक है। अब 100% पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कहीं भी अगर आप अटक जाओ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप अटक जाओ, आपको लगता है कि आपको ये नहीं आता है, या आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, या आपको लगता है टाइम वेस्ट होगा,
काम करना एक जो है उसको वहीं पे छोड़ देना, अगला क्वेश्चन शुरू कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आईसीआई जितना आपने स्टेप सही किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्किंग करता है, मतलब आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। क्योंकि जो है भाई हो सकता है 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो है मिलने थे उस क्वेश्चन में 8 नंबर, लेकिन जो है आपका सही नहीं हो पा रहा है, आपने बगैर 5-6 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया है, 5-6 नंबर का स्टेप सही कर लिया, तो भाई उसको ले लो। उस 2 नंबर के लिए जो है आप जो है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कैसे पता चलेगा कितने स्टेप के नंबर है, वो भाई आपको कोई भी नहीं बता सकता, वो आईसीआई के ऊपर ही डिपेंड करता है कितने नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये थी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो है भाई जहां पे फंस जाओ वहां पे छोड़ देना, अगला शुरू कर देना, ठीक है, वरना जो है आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसा भी मत करना कि, और फिर अगर आपको टाइम मिले तो वहां पे जाके उस क्वेश्चन को हो सके तो कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज जो है उतना भी चलेगा और इससे आपका पेपर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि जो है जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, आप जो है मेरे दूसरे चैनल पे जाके जो है चीजें दोगे और सब्सक्राइब करोगे, अपना प्यार दोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। तो जय हिंद।